पीएम नरेंद्र मोदी तीर्थराज पुष्कर में आए और यहाँ पर उन्होंने संतों से भी मुलाकात की है। आप तो पीएम से मुलाकात करके आई हैं, सबसे पहले संतों से उन्होंने मुलाकात की और कुछ बात करने की कोशिश की? संतों के प्रति सदैव उनके मन में प्रेम, श्रद्धा, आदर का भाव रहता है और एक आशीर्वाद की अपेक्षा हमेशा रहती है। तो सबसे आते ही सबसे पहले उन्होंने संतों से भेंट की, आशीर्वाद लिया, उसके बाद सीधे वो ब्रह्मा मंदिर गए और वहाँ पर 15 से 20 मिनट उन्होंने अपनी विधि विधान से पूजा की और पूजा के बाद जब वो प्रस्थान किया उन्होंने तो संतों से मिलके ही प्रस्थान किया। सरस्वती जी ये बताइए कितनी देर वहाँ मंदिर में रुके थे और क्या वो स्पेशली पूजा का ही उनका प्रोग्राम था या कुछ और भी? 15 से 20 मिनट वो पूजा के लिए रुके थे। अब क्योंकि वो इतनी पवित्र भूमि पे आ रहे हैं, उनकी जनसभा थी, तो ये तो बिल्कुल ही एक अनुचित सी बात लगती कि इतनी पवित्र भूमि पे कोई सनातनी आए और तीर्थराज पुष्कर पे नहीं आए। तो ये उनकी भावना हमेशा ही सर्वोपरि है धर्म को लेके, तो इसीलिए पूजा तो बनती ही थी, तो उन्होंने विधि विधान से इस समय का सदुपयोग किया। तीर्थराज पुष्कर में पीएम मोदी का आना किस तरह का संकेत हिंदुस्तान पे गया होगा आपके हिसाब से? उनका सीधा एक ही स्पष्ट संदेश है कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीतोगे, सत्य धर्मो रक्षति रक्षते, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। और वो एक सनातनी है और अपने मूल्यों पर चलने वाले, सिद्धांतों पे चलने वाले स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। अंदर पूजा अर्चना किस तरह का हुआ, आपने देखा सारा? नहीं, क्योंकि संतों का तो एक अलग ही स्थान था जहाँ पर उनको खड़े रहना था, तो अंदर पूजा में उनके प्रोटोकॉल के चलते केवल दो वहाँ के ट्रेडिशनल पुजारी सुरेश सिंह रावत जी और घनश्याम तिवाड़ी जी भाई साहब। ये थी साध्वी अनादी सरस्वती जो पीएम से मुलाकात करके आई और बताया कि किस तरह से पीएम का संतों से यहाँ पर मुलाकात रहा। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, पुष्कर, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।